कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रियाद्वैत गदाधर हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कथा सर्वप्रथम भृगुपाद पद्म मिथिला प्रविष्ट विष्णु पाद रशोदर्शक श्री श्री श्रीमाधभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत गुण साक्षा तत्प्रणाम तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म मिथिला प्रविष्ट विष्णु पाद अशोदर्शक श्री श्री श्रीमाधभक्ति राम श्री रूप नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल श्रद्धा उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को अयोध्या जी प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग जो कथा सुनेंगे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब भक्तों ने क्या कर रहे कुछ कथा के बाद वो रिकॉर्ड करके भेज देंगे। कथा के बाद मैं लैपटॉप में लगा के रिकॉर्ड करके भेज दूँगा। ये कथा अंग्रेजी में रिकॉर्ड हाँ उनसे बात करते इसलिए तो लोगों ने प्रभुपाद को अलग अलग समय पर अलग अलग प्रश्न किया। इसका जो उत्तर है प्रभुपाद ने क्या दिया है आज हम लोग श्रवण करेंगे। इसने पूछा है हम एक जीवन में कैसे हमें सिद्धि हो सकती तो भी कहते हैं ना या जीवन में हमें कृष्ण मिल जाए एक जीवन में क्या हमें कृष्ण मिल जाएंगे। और प्रभुपाद ने कहा कृष्ण मिल सकते हैं। कैसे कृष्ण मिल सकते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं यदि स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक शरणागत है गुरबान होते निष्कपट भजन कर ले एक जन्म ही सिद्धि होगी। क्या करना पड़ेगा अपना जो स्वतंत्रता है कि स्वतंत्रता को परित्याग स्वतंत्र मतलब क्या है हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे हम गुरु वैष्णव की बात नहीं सुनेंगे हम जो चाहेंगे ये हमारी स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भक्ति करने के लिए इस स्वतंत्रता को पहले छोड़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता छोड़कर क्या करना पड़ेगा गदसी शरणागत है गुरुपानुगत्य निष्कपट भजन करना पड़ेगा। बोले गुरु जी के अनुगत्य में निष्कपट रूप एक तो गुरु जी का अनुगत्य करना चाहिए। इसलिए जब हम गुरु जी के अनुगत्य करेंगे कई भगवत प्राप्ति हमें हो सकती है। उनके अनुगत्य को दक्षिण को प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए अभी प्रश्न है गुरु जी का अनुगत्य तो करनी चाहिए तभी गुरु को गुरु जैसे होना चाहिए तभी का अनुगत्य करने का प्रति इसलिए यदि जो गुरु जी का जो लक्षण क्या है तत्काल हम श्रवण कर रहे थे जो स्वयं 24 घंटा भगवान अनुगत जन को भी इसलिए श्री नरसिंहदास ठाकुर कहते हैं श्री चैतन्यम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम तथा भावना। गुरु जी श्री रूप गोस्वामी की वंदना करते हैं कहते हमारे गुरुदेव कौन है बोले श्री चैतन्यम गुरु जी कहते हैं क्या बोले चैतन्य महाप्रभु का जो मन का जो अभिष्ट इच्छा है ये अभी महाप्रभु का क्या महाप्रभु का इच्छा क्या है तो महाप्रभु का जो इच्छा है पहला नंबर है साधु पावा बड़ कष्ट जीवन जानिया साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलयुग में साधु मिलना बड़ा हम साधु किसको समझते हैं लाल कपड़े पहनेंगे लंबे छोटे पहनती माला हैं बड़े जटाजू का हो बड़े जटाजूधारी हो तंत्र साधना करता हुआ हो जादू दिखाए चुटकी में हैं जादू की चुटकी में जादू दिखाते हम इसको क्या मानते हैं साधु मानते हैं अगर दुनिया लोग उसके साथ मानते हैं अगर हमारे मन की बात खोल देता है हमारी क्या समस्या है खोल देता है कुछ नहीं किए
साधु है, लेकिन शास्त्र में इसको साधु नहीं बताया। साधु का लक्षण भगवान क्या कहते हैं, अपिचेत शुद्राचार्य भजनते माम अनंत भाव साधु रेव समर्थक सम्यक व्यवस्थित। पिछले साधु का लक्षण बता है कहते अपिचेत शुद्राचार, अगर थोड़ी दुराचार दिखने पर भी लेकिन भजनते माम अनन्य भाव, कहते जो भगवान को अनन्य रूप में जो भजन करता है, अनन्य रूप में मतलब क्या होता है, कहते दूसरे कोई देवा देवी को नहीं, दूसरे कहीं देवा देवी को जो भजन नहीं करते, एकनिष्ठ होकर के मुझे जो भजन करते वो साधु, जैसे गोपियाँ देखो एकनिष्ठ होकर के मेरे को गिरधर गोपाला जैसे मीरा कहती हैं, मेरे को गिरधर गोपाला जैसे गोपियाँ कहती हैं, बुद्ध मन ना भयो दशी एक मन स्व गए श्याम संगे को आराध्य। तुम ध्यान की बात बता दो, ध्यान तो मन से करते हैं लेकिन मन तो एक ही मतलब कृष्ण का साथ ही है, इसलिए जो भक्ति है वो बहुनिष्ठा से भक्ति नहीं होता। आज इसकी पूजा कर लिया कल माँ पूजा क्यों चले गए, माँ पूजा कर लाए इसमें निष्ठा ही, इसलिए इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति होनी चाहिए एकनिष्ठ भक्ति होनी चाहिए, इसलिए भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं माँ मई अनंत भावना भक्ति गुणवंत के बिना, इसलिए भक्तों का जो अंतर लक्षण है मई अनंत भावना भक्ति गुणवंत वो एकांत रूप में अनंत रूप में मेरे की जो भक्ति करते हैं, इसलिए आज इसको पूजा इसको पूजा से भक्ति मन भटकता हुआ रहेगा, इसलिए भगवान की एकनिष्ठ होकर करना। और कृष्ण ऐसे के देवता है जो एक देवता को पूजा कर दो सभी को पूजा करने हो जाए, क्योंकि उनके अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, जब उनकी पूजा किया तो दुनिया को हो गया, फिर इधर उधर क्यों भटक हाँ इधर उधर क्यों भटक गया। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, अब इससे जो कलयुग है हम तो उसके साधु कहते हैं जो चमत्कार दिखा जादू टोना दिखा हैं, तुम्हारी ये समझ नहीं, ये साधु का काम नहीं। हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, राम की सेवा राम की नाम। तुलसीदास जी क्या करते हैं, राम की सेवा राम की नाम। मीरा क्या करती थी, कृष्ण का नाम कृष्ण की पूजा। गोपियाँ क्या करती थी, कृष्ण भक्ति करती थी। ध्रुव प्रहलाद क्या करते थे, चमत्कार दिखा करते थे, उनको साधु नहीं करते हैं, उनको साधु का लक्षण वो नहीं है। इसलिए भगवान कहते साधु का लक्षण कौन है, जो एकांत रूप में केवल मेरे लिए अपना चित्र को रमा करके रखे हैं, रमा करके रखे वो साधु है, वो साधु। इसलिए मत कथा मत कथा चिंता बधयन्ते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यं तुष्यन्ति च मम। भगवान अपना भक्तों का लक्षण कहते हैं, क्या कहते हैं, मत कथा जो मेरी कथा छोड़कर दूसरे बात बोले ही नहीं, मत कथा चिंता मेरे को छोड़कर कोई दूसरा चिंता नहीं, बधयन्ते परस्परम परस्पर में केवल मेरी चर्चा के परे यही जिनका जीवन है, इसमें ही संतुष्ट रहता है, इसमें ही टूटे रहते हैं, वो मेरे भक्त है, चमत्कार दिखाने वाले भक्त नहीं। लेकिन हम भट ले जाते अरे कैसे कर दिया, हमारे मन की बात बोलती है नहीं, ये भक्तों का लक्षण नहीं, भगवान कहीं भक्त के लक्षण की सब बात होगा नहीं है, लेकिन वो चीज़ को प्रति हम भागते हैं, वो चीज़ को पीछे हम भागते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए महाप्रभु क्या किया, स्वयं एक साधु बन करके आए और आकर के उन्होंने 24 साल तक व्यवस्था की और 24 साल तक संन्यास। जो घर में रह करके भक्ति पूजा करना चाहते हैं उनको कैसे भक्ति पूजा करनी चाहिए, और जो संसार छोड़ करके भगवान की भक्ति करना चाहते हैं क्या करना चाहिए। महाप्रभु दिन रात कृष्ण प्रेम पूरे रहते हैं, कहाँ जाऊँ कहाँ पाऊँ प्रेम, कहाँ जाने से वो श्याम सुंदर मिले, कहाँ जाने से भगवान मिलता, दिन रात उनके ही चिंता उनके ही भाव दिन भर उसी में ही डूबे रहते थे। कहते श्री चैतन्य मनोभीष्टम, कहते जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मन की इच्छा को जो पूरी करता, पहला इच्छा किया महाप्रभु का, पहला इच्छा है हम पहले अच्छे तरह
सुधर उत्पन्न भगवान की भक्ति गए, निष्कपट हो गए, हृदय में कोई कपटा कपटता नहीं रहनी चाहिए, पर एक दिखारे अंदर में और कोई चीज व्रत भक्ति नहीं, इसलिए निष्कपट होकर के क्या करनी चाहिए, पहले भगवान की भक्ति करो, फिर भक्ति करके फिर क्या करो, भगवान की प्रचार, भगवान की प्रचार। इसलिए यदि श्री चैतन्य मन अभिष्ट स्थापित श्री चैतन्य महाप्रभु का जो इच्छा है तो जगत में प्रचार और प्रसार जगत में करे, स्वयं भजन करे, यदि आचार्य करने के ना करे प्रचार और प्रचार करने के ना करे आचार, आचार प्रचार नाम कार्य तुम्हें सर्वगुरु जगत रहता, पहले अपना जीवन में भजन करे और दूसरे गुरु के बाद में अगर कोई निष्कपट रूप में ये काम अगर कोई करे ना गुरबान व्रत में अगर कोई भगवान की भजन करते हैं तो क्या होगा, मतलब इसी जीवन में उसको भगवत प्राप्ति, इसी जीवन में भगवत प्राप्ति उसकी हो जाएगी। जैसे दूसरा प्रश्न है, मतलब भगवान को जानने के लिए उपाय क्या है, अगर कोई भगवान को जानना चाहते हैं इसका उपाय क्या है, जो ग्रंथ है हमारे जो गुरु जी के जो गुरु जी प्रभुपाद दुनिया में जो हरि भक्ति प्रचार किए उनको भक्तों ने अलग अलग समय में प्रश्न किया, उनने क्या उत्तर दिया इसकी कहते भगवान को जानने के लिए क्या उपाय है, हम चाहते ना भगवान को जान लो कैसे उपाय, कहते गुरुदेव श्रीमुखे भगवान श्रद्धा पूर्वक है क्या तुम तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की कथा में सुनना पड़ेगा, सबसे पहले हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा नहीं होगा तो हम कथा में केवल वैल्यू नहीं देंगे, कथा में कोई महत्व नहीं है, इसलिए विश्वास गुरु वाक्य सो स्वस्मिन दिनत्व भावनम मान दोष तिरस्ते साम कथायाम निश्चल, इसलिए यहाँ पर श्री विष्णु कहते हैं जैसे हिंदू कार्य ने कथा सुनी और दूसरे कथा सुने लेकिन रात एक ही है, सभी रथ में एक रथ आए तो उनने पूछे सभी तो कथा में एक रथ नहीं आए, बोले कारण ही उनको सुनने में फल दे श्रवण में भेद हो गया, पहला नंबर तो विश्वास होनी चाहिए गुरु जी का प्रति, शास्त्र का प्रति, वैष्णव का प्रति, शास्त्र जो बोल रहा है वो सख्या भगवत प्रणित भगवान की प्रश्न सीखी, पहला नंबर विश्वास होनी चाहिए, फिर दीनहीन होकर कथा और मन को एकाग्र करके कथा सुननी चाहिए। इसलिए आप कह रहे हैं जब हम गुरुदेव का बुखार जुड़े से कथा सुने कहते श्रद्धा पूर्वक हमको, इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य 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 भागवत में जो कथा सुनाते हैं बीच बीच में कह रहे हैं कथा को सावधान से सुना, कथा को सावधान से कथाओं को सुना, इसलिए कहते श्री गुरुपाद पद में प्रपत्ति व्यतीत भगवान के जानवर अन्य को उपाय नहीं, जब तक श्री गुरु जी के चरण में हम शरणागत नहीं होते तब तक भगवत प्राप्ति का कोई उपाय, जब गुरु जी के चरण में हम शरणागत हो जाएंगे तभी हमें भगवत प्राप्ति कभी हो सकता है, नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं होती, लेकिन प्रश्न भी होता है ना गुरु जी के चरण में तो शरणागत होनी चाहिए लेकिन गुरु तो गुरु होनी चाहिए, अगर जिसको जिसको हम गुरु मान करके उनको पीछे पीछे भागे लास्ट में देखा हो छोड़ दी भक्ति नहीं करते भजन भजने से उनका कोई मतलब नहीं, पर तो गए उनके चरण में शरणागत होना उनको मानना सब कुछ, इसलिए शास्त्र में गुरु जी का भी शास्त्र में लेखन होता है तभी प्रणी पाल होना बड़ी प्रश्न से गया उपदेशन करके ज्ञाना मनाना इसलिए गुरु जी के चरण में तभी भी प्रणी पाल होना सबसे पहले प्रश्न करो कि गुरु जी की सेवा करो है, इसलिए गुरु जी की लक्षण क्या है, शब्द परेच निष्नातम समास्त, पहला गुण है समस्त शास्त्र में सत्य ब्रह्म च, पहले समस्त शास्त्र में उनकी निपुणता होनी चाहिए, इसलिए दूसरा लक्षण क्या है, फिर दूसरा लक्षण है उसको साथ साथ में शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, परम ब्रह्म मतलब होता है उस
उसको साथ साथ में आचरणशील होनी चाहिए, और उसको साथ साथ में भजन परायण होनी चाहिए, तभी ऐसे गुरु जी की शरण में हमें जानी ही चाहिए। केवल बोलते ही अपना जीवन में कोई आचरण नहीं, इसलिए कि जब हम गुरु जी की चरण में हम प्रपत्ति शरणागत होते हैं तभी हम भगवान को जान सकते हैं। इसलिए गुरु ही बहुत तरह का गुरु है, कर्मी गुरु, ज्ञानी गुरु, योगी गुरु है, इसलिए गुरु ही बहुत तरह तरह का है। कौन सा गुरु जी की शरण में जानी चाहिए, कौन सा गुरु जी की शरण में जानी चाहिए, जो भी ज्ञानी कर्मी नहीं जानी चाहिए, जो भक्त गुरु है। जो भगवान कहते हैं हत्याम कहते राज्यम, मेरे को कौन जान सकता है, तो मेरे भक्त ही मेरे को जान सकते हैं, अब भक्त मेरे को जान नहीं सकते। इसलिए ऐसे गुरु जी की शरण में हमें शरणागति होनी चाहिए। जिन गुरुपाद पद मेरे शरणागत हन तिन्हीं भगवान के जानते रहे, सचमुच से गुरुदेव भक्ति भजन करते हैं, ऐसे जब गुरु जी की शरण में जाएंगे फिर वो भी हम भगवान को भजन करते हैं। ऐसे कुछ गुरु निकले ना, भगवान भगवान को गुरु ही सब, गुरु ही पूजा करो, गुरु भगवान गुरु प्रणी, जैसे जय गुरुदेव जय गुरु भगवान भगवान कहीं नहीं, खुद मंदिर में खुद पटो को लगा देते हैं, ये भगवान ये गुरु का काम है। जैसे श्री नारद जी प्रहलाद दुर्गा से मिले तो क्या नाम दिया, अपना नाम दिया ओम नमो भगवते भगवान का नाम। जैसे श्री प्रहलाद से मिले, प्रहलाद को किसकी, नारद जी किसकी कथा सुनाए, भगवान की कथा सुनाए, ठाकुर की कथा सुनाए। वाल्मीकि से मिले, नारद जी किसका नाम दिए, राम का नाम, अपना नाम नहीं दिया। इसलिए गुरु जी का काम ये नहीं है, जैसे कि बिचौलिया होता है ना, लड़का लड़की को देख रहे बिचौलिया क्या करता है, कहते वो लड़की को साथ में लड़का का संबंध को जोड़ देता है, ऐसे नहीं स्वयं बर बनकर के लड़की से शादी करते हैं, ये बिचौलिया का काम नहीं है। इसलिए गुरुदेव क्या है, बिचौलिया है, क्या करते हैं, जीव को साथ में भगवान को जोड़ते हैं, भगवान को साथ में जोड़ देते हैं, ये गुरु जी का काम है। गुरु जी का यही काम है, भगवान के जीव कैसे पहुँचा दे। इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज जी वैकुंठ विजय कर रहे थे, नारद को बिना बजा बजा करके उतने प्रसन्न हो रहे थे, बोले आज एक जीव भगवान के मंत्र लेकर के आज एक जीव भगवत प्राप्त कर रहा, उतने प्रसन्न हो रहे थे, कौन श्री नारद, श्री नारद जी। इसलिए कहते गुरुदेव, इसलिए जो व्यक्ति गुरुपाद ऐसे गुरुपाद पर में शरणागत तो होते हैं, कहते सचमुच से वही भगवान को जान सकते हैं। तो यहाँ पर बताए भगवान के नाम, और एक प्रश्न है, कहते भगवान का नाम करने के लिए 10 अपराध से हम सावधान रहनी चाहिए, 10 तरह का अपराध से हम दूर रहनी चाहिए, तभी भगवत नाम को हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बताए कि 10 तरह का जो नाम समझ रहे हो, हरिनाम करते हैं, लेकिन कभी कभी देखना हरिनाम पर करते हैं फल नहीं मिलता, हम कहते हम हरिनाम कर रहे हैं फल को नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर बताए हरिनाम कैसे करनी चाहिए उसको भी पता होना चाहिए। जब तक वो चीज पता नहीं होगा केवल अनुकूल को हम ग्रहण कर रहे हैं, प्रतिकूल वस्तु को हम छोड़ नहीं रहे हैं, फिर तो उनको बेकार हो जाएगा, हाँ बेकार हो जाएगा। इसलिए अनुकूल से संकल्प भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना पड़ेगा और भक्ति के प्रतिकूल को छोड़ना है। ये किसी डॉक्टर के पास में गए, एक व्यक्ति को तंबाकू खाता था, वो तंबाकू पीता था, तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर ने कहा देख बेटा तुमको बढ़िया दवा दे रहा लेकिन प्योर गैया के दूध को साथ में दवा कर लो, जल्दी तुम्हारी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन बेटा तंबाकू नहीं खाना, तो तंबाकू पी रहे हो ना, तंबाकू छोड़ना, फिर डॉक्टर जी तंबाकू भी खाऊंगो और दूध भी पीऊंगा, तंबाकू भी खाऊंगा दूध, बोले बेटा बहन पर बीमारी सही नहीं होगी, है बीमारी सही नहीं होगी, इसलिए तंबाकू छोड़ करके दूध को साथ में दवा को लो, फिर तुम्हारी बीमारी सही
जाएंगे। इसलिए यदि भगवान का नाम क्या है, यदि ये मेडिसिन है, दवा है, लेकिन वो दवा को साथ साथ में परहेज भी करनी चाहिए। परहेज को साथ में दवा लेंगे तो फिर दवा की असर करता है, अगर परहेज के करेंगे तो खाते रहेंगे लेकिन दवा असर नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भगवत नाम जो हम जप करते हैं उसमें तो 10 अपराध हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अपराध क्या है? तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं श्री गुरुदेव मनुष्य बुद्धि ही तत्मारात्मक अपराध भीषण नामापराध। जितने नामापराध में जो गुरु अवज्ञा और गुरु जी को साधारण देखना इंसान मानना है, तो ये सबसे बड़ा नामा। इसलिए गुरुदेव को क्या माननी चाहिए? भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए कहते भगवान की कृपा मूर्ति भजन है ना, कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति। गुरुदेव कौन है? दीना जन करुणा निधि। गुरुदेव भगवान की कृपा ही एक मूर्ति रूप लेकर के हमारे पास में गुरुदेव आए। इसलिए यदि अगर उनको साधारण इंसान बुद्धि मानेंगे तब जगत की सबसे बड़ा ये अपराध है। गुरुते मत बुद्धि भले कोटि जन्म अमादर मंगल हवे ना। जब गुरु जी को साधारण इंसान बुद्धि करेंगे तो करोड़ों जीवन में भी हमारे कल्याण होने वाले नहीं है। इसलिए तखर नाना विघ्न से अमादिग के अभिलाष सागरे भाषा या विवर्तन कर दिया। जब गुरु जी का प्रति साधारण होती हो तो क्या होगा, उसमें हानि क्या है, उसमें तरह तरह का बाधा भी होती है आएगा। आकर के हमें क्या करेगा, या तो अभिलाष सागरे भाषा या विवर्तन कर दिया, जो तरह तरह का जो इच्छाएं हैं आकर क्या करेगा, उनकी भवस सागर में संसार से पर हम पार नहीं सकते हैं। इसलिए एक गुरुपाद पद्म व्यतीत और केवल अमादिग के दुस्संग्रह हाथ है रक्षा करते पारे न। अतः दुस्संग शुरुआत में सत्य संजय साथ इसलिए कहते हैं भक्ति करने के लिए अतः दुस्संग भक्ति करने के लिए हमें असत संग से दूर रहना, जैसे रंग वैसे रंग, जैसे संग वैसे रंग। अगर असत व्यक्ति को साथ में बैठेंगे तो वो उल्टा पुल्टा दुनिया की बात बोलेगा, उसमें भी हम डूबते रहेंगे। असत संगे सर्वनाश, साधु संगे सर्वनाश। अगर असत संग करेंगे तो जीवन में हमारी सर्वनाश होने वाली, इसलिए जीवन में असत संग हमें त्याग करना पड़ेगा, तभी ये साधु संग की फायदा होगा। नहीं तो बोलेंगे नहीं असत संग भी करेंगे और साधु संग भी करेंगे, साधु का प्रभाव तो है लेकिन हम बद्ध जीव है ना, हमारे ऊपर में असत संग का ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर है, सत्संग के प्रभाव में नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हम बद्ध जीव हैं, हम अभी बद्ध जीव हैं। हमारे अंदर में कभी दो तरह का पेड़ होता है, कहते एक पेड़ है जैसे अभी अभी लगाया नया पेड़, जो नया पेड़ है उसको क्या करना, रोज उसको पानी देना पड़ेगा, अगर पानी नहीं दोगे ना वो पेड़ बढ़ नहीं सकती, रोज उसमें पानी देना ही पड़ेगा, नहीं तो एक दिन नहीं दोगे ना वो मुरझा जाएगा। लेकिन एक पेड़ होता है बड़ा होता है, वो बड़ा हो गया, वो बड़ा हो गया तो क्या होगा, फिर वो अपने आप पानी को संग्रह कर लेगा है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जब तक हम स्वयं कहते भजन में हम परिपक्व नहीं हो जाते हैं, जब तक भजन में तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, तब तक हमें साधु संग में करना पड़ेगा। अगर बीच में अगर साधु संग अगर छूट जाएगी ना तो हमारी जो भक्ति है वो तो भक्ति भी धीरे 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 भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी है, भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे जब तक हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं होता है ना तब तक हमें साधु संग करनी चाहिए, साधु संग करनी चाहिए। क्योंकि फिर गुरुदेव कहते थे कभी हवा की थोड़ी सी झोंक आएगी ना, थोड़ी सी अगर झोंक आ जाएगी हैं, झोंक आ जाएगी तो क्या होगा, अगर थोड़ी सी अगर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो क्या करते, कुछ छोड़े नहीं छोड़े कोई भजन ही छोड़ते। भगवान हमारे साथ ऐसे किया, हमने इतने भगवान की सेवा पूजा की, इतने भक्ति की,
रहे, ये माला हमसे कब छूट जाए भगवान की भजन, हम तैयार बैठे हैं। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे जब तक हमारी भक्ति में एकदम पक्की नहीं हो जाते हैं, पक्की नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें शुद्ध वैष्णव का संग करनी चाहिए। अगर संग छूट गया ना, सारी भक्ति भी धीरे 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 तिलक मिट जाएगी, गला से कंठी उतर जाएगी, फिर थोड़ी बहुत हरिनाम कर तो माला भी छूट जाए। बहुत ऐसे भक्तों को देखने को मिला है, तब तक जो भजन करते थे, भक्ति करते थे, जब तक भक्ति साथ में मिलते जुलते थे, इनके भक्तों का संग थोड़ी बहुत गया, थोड़ी देर बाद में जाकर देखा गले में कंठी तिलक है, माला नहीं, ग्रहण कर भैया तुम्हारी कंठी तिलक माला था, फिर गुरुदेव के टूट गई। मैंने कहा सोने का चैन तुम्हारी भी टूटी, तुम्हारी ये माला ही टूट गया, सोने की चैन तुम्हारी भी टूटी है, गले में तो सोने की चैन तुम पहन कर रखी, ये तो तुम्हारी टूटी नहीं, माला कैसे टूट गई तुम्हारी, तिलक कहाँ गया, चलो भूल गया था, मतलब खाना कभी भूले हो, दिन में कितना बार भोजन कर कई तीन चार बार तो दिन में भोजन कर लेते हो, और खाना तो भूले नहीं, तिलक ही भूल गए हैं। बोले माला करती कि नहीं, बोले कभी कभी माला कर लेता हूँ, कभी कभी क्यों, इसलिए गुरुदेव कहते थे जब गुरुदेव हमें माला दिया है, वो माला नहीं दिया, वो साक्षात भगवान हमें दिया है, ठाकुर जी को दिया है, हैं भगवान को, भगवान ही हमारे पास में माला रूप में आया, इसलिए गुरुदेव कहते थे कभी माला को भूखे मत रहो, खुद भूखे रह जाओ, लेकिन माला को भूखा नहीं रखनी चाहिए। अगर एक दिन अगर माला नहीं किया तो ठाकुर दिन भर भूखे रहे, ठाकुर जी भूल नहीं, ठाकुर जी भजन नहीं किया, स्नान नहीं किया, कपड़ा नहीं बताया, दिन भर ठाकुर जी भूखे रहे, इसलिए गुरुदेव कहते थे नहीं, भजन प्रसाद पाने से पहले जरूर कुछ ना कुछ माला करके ही भजन करो। हरिदास ठाकुर तो दिन में तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, जब महाप्रभु जो बीमारी में पड़े हुए अंतिम सज्जा में शरीर छोड़ने वाले महाप्रभु प्रसाद देने के लिए आए, हरिदास प्रसाद लो, बोले प्रभु आज हम प्रसाद नहीं ले सकते, क्यों, बोले आज मेरी जो संख्या माला है पूरी नहीं। महाप्रभु बोले जिंदगी भर तो तीन तीन लाख हरिनाम किया, अरे अभी तो बूढ़े हो गए, शरीर छोड़ने वाले थोड़ा कम तो करो, लेकिन वो क्या कहते हैं, बोले प्रभु शरीर मर सुस्त है, असुस्थ बुद्धि में शरीर चंगा, शरीर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मन है ये असुस्थ हो गया, ये बीमारी हो गई है, मतलब जो मन है देखना सारे चीज के लिए हम समय निकालते, निकालते कि नहीं, खाने के लिए, घूमने के लिए, स्मार्टफोन के लिए, टीवी देखने के लिए समय निकालते कि नहीं, गप्पे मारने के लिए निकालते कि नहीं, लेकिन जो भजन की बात बताओ ना, समय समय कहाँ, भजन करने के लिए हरिनाम के लिए समय कहाँ, इसलिए हरिदास ठाकुर क्या बोले, प्रभु शरीर पर सुस्त है, शरीर पर चंगा, लेकिन जो मन है ना ये बड़ा दुष्ट है, ये मन है, हर चीज के लिए समय निकलेगा, भजन की बात होता तो समय, मेरे प्रभुपाद क्या कहते थे, सवेरे उठो और अपना जुटी लो, और ये मन को सौ बार पीटो, मन को सौ बार पीटो, मतलब क्या, मन को समझाओ, मन हरिनाम करो, भक्ति करो, भजन करो, क्योंकि जीवन में अगर कभी हमें शांति सुख मिलेगा तो वो दुनियादार से नहीं मिलेगी, शांति सुख मिलेगा तो भगवान की भजन से, भगवान की भक्ति से ही मिलेगा, भले ही दुनिया की जो कुछ कर लो, इसलिए कहते हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा, भगवान से विमुख होकर के अभी तक इसको शांति सुख मिले ही नहीं, बोले न चंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती, गोकर्ण कह रहे हैं पिताजी को, बोले पिताजी अगर सोचे कोई इंद्र का राजा, स्वर्ग का राजा बन जाए, शांति नहीं, सुबह इंद्र छुट्टी हो, थोड़ी सी कोई भक्ति करना शुरू करना, तपस्या पहले उसका आसन करने का नहीं होना, हमारे आसन तो छीन ले जाए, तो पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर, कितना बार राक्षस लोग गए, अलग दिया भगा दिया स्वर्ग से, भगा दिया वहां से, कहते न सुखम चक्रवर्ती न, ये चक्रवर्ती राजा में जगह कुछ नहीं, आप मोदी को जाकर पूछो कितना टेंशन, जो भी वो पूछो कितना टेंशन, सबको जितने मंत्री को पूछो, हम तो आसानी से खा पी लेते सो जाते हैं,
सत्ता नहीं चल जाए, तुम्हारी सत्ता नहीं चल जाए, अगली बार क्या होगा नहीं होगा। नसतम चक्रवर्ती ना, बोले सुखम मस्ती, बोले सुख है, बोले किसको सुख है, जो भगवान के चरण में अपना मन खुला रहे थे, ठाकुर के चरण में जो अपना मन खुला रहे था, वही व्यक्ति जगत में सुखी है। इसलिए जगत में कोई सुखी नहीं, इसे बोले राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र तो हरी, और इंद्र कहे चतुरानंद को सुख, चतुरानंद कहे सुख विष्णु के हरी। लेकिन तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब दुख दुख। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं श्री गुरुपाद पद्म व्यतीत तो आर केव आमादि के दुस्संग हाथ वही रक्षा कर पा रहे ना, इसलिए हमें ये असत संग से कौन रक्षा कर सकता है, तो श्री गुरुपाद पद्म ही हमें असत संग से हमें दूर रख सकते हैं। गुरु ते मनुष्य बुद्धि ठाकर देते जीव तत्पाद पद में आत्मनिर्भर करते पार छेना, इसलिए कहते हैं हम गुरु जी के चरण में आत्मनिर्भर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु जी का हमारे सामान्य जड़ बुद्धि, इसलिए जड़ बुद्धि है, इसलिए हम गुरु जी को भगवत रूप में हम नहीं जान पाते। इसलिए श्री कृष्णदास कन्याद गोस्वामी कहते हैं यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास यद्यपि हमारे गुरुदेव कौन है, भगवान की दास है, दुनिया की दास है, लेकिन एक भक्तों के लिए क्या भावना, ये कौन भगवान की दास हमारे घर में ठाकुर की कृपा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर बताए भीषण नामापराध की, जगत में सबसे बड़ा नामापराध है गुरु का प्रति मनुष्य भी और वैष्णव निंदा, वैष्णव निंदा, इसलिए साधु संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा अपराध है। अगर ये चीज़ से अगर हम बच सकते हैं अगर हमारी भक्ति धीरे 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 आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, तो भक्ति हमारी हमारी ठीक है। पिता गौ भगवान अच्छा कृपा सिंधु पावन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 H